Hello kids, how are you all? I hope you all are well at home, am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I am Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now assembly time. Abhi kaun sa time hai bachche aapka? Assembly time hai. And in our assembly time, today we will revise action words. Okay, aaj hum kya karenge assembly time mein? Action words ko revise karenge. Okay beta, which we have already learned. हम उसको ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं बट आज की रिवीजन करेंगे ओके बच्चा रिवीजन भी स्टार्ट करने से पहले सम बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए लाइक व्हाट इज द डेट टुडे टुडे इज 3 टुडे इज 3 व्हाट इज द डे टुडे टुडे इज वेडनेसडे व्हिच मंथ इज गोइंग ऑन फेब्रुवरी मंथ इज गोइंग ऑन व्हिच ईयर इज गोइंग ऑन 2021 इज गोइंग ऑन ओके बेटा मैं आपको एक्शन वर्ड्स का रिवीजन इसलिए करवा रही हूं बच्चे क्योंकि आपके अभी टेस्ट स्टार्ट है ना आपके पीटी स्टार्ट होने वाले हैं ना मंडे से तो हमें क्या करना है उसमें मैंने आपको सिलेबस में इंग्लिश में एक्शन वर्ड्स भी दिए हैं ना इसीलिए मैं आपको एक्शन वर्ड्स की अच्छे से फिर से रिवीजन करवा रही हूं सो शैल वी स्टार्ट ओके लेट्स स्टार्ट किड्स लुक एट द व्हाइट बोर्ड एक्शन वर्ड्स ओके किड्स हमारा फर्स्ट एक्शन वर्ड है बेटा वो है पॉइंटिंग आपने ध्यान से सुनना है कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूं वर्ड है हमारा पॉइंटिंग बेटा पॉइंटिंग हम कैसे करते हैं कि अगर जहां पर बहुत सारे जने होते हैं या बहुत सारी चीजें होती हैं हम केवल उसी चीज को पॉइंट कर रहे हैं जो चीज हमें चाहिए सपोज करो यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं ठीक है मुझे उन बच्चों का नाम ही नहीं पता किसी भी बच्चे का नाम नहीं पता तो मैं उस बच्चे को पॉइंट करके बोलूंगी कि नहीं ये वाला बच्चा मैंने पॉइंट किया इस चीज को तो ये मेरा मैंने उसको पॉइंट किया तो पॉइंटिंग हम ऐसे करते हैं अपनी फिंगर से ओके जैसे अब ये सारे के सारे एक्शन वर्ड्स हैं ठीक है मैंने इसको पॉइंट किया ये मैंने पॉइंट किया इसको ठीक है ये होता है हमारा पॉइंटिंग क्लियर नेक्स्ट एक्शन वर्ड इज बेटा पुलिंग पुलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को अपनी ओर खींचना अपनी ओर खींचना ये ड्रॉअर है मैं इसको ऐसे करके खींच रही हूं तो ये मैं इसको पुलिंग कर रही हूं आई एम पुलिंग द ड्रॉअर आई एम पुलिंग द ड्रॉअर ओके बेटा पुल करना किसी चीज को अपनी ओर खींचना क्लियर नेक्स्ट वर्ड इज बेटा वॉचिंग वॉचिंग का मतलब होता है बेटा देखना अब लाइक आप अपनी वीडियोस वॉच करते हो डेली वॉच करते हो किस में वॉच करते हो अपने मोबाइल में वॉच करते हो ना और टीवी में टीवी देखते हो टीवी में कार्टून्स वॉच करते हो मूवीज वॉच करते हो तो इसको जिस चीज को आप देख रहे हो किसी भी चीज के अंदर जैसे मोबाइल के अंदर वीडियोस देखना टीवी के अंदर कार्टून्स देखना ये सब हम वॉच कर रहे हैं इसको बोलते हैं वॉच क्लियर बेटा नेक्स्ट इज बेटा पॉलिशिंग पॉलिशिंग क्या होता है बेटा किसी भी चीज में चमक लाना जैसे कि हमारे शूज बहुत डर्टी हो जाते हैं तो हम अपने शूज पॉलिश करते हैं तो हमारे शूज चमक जाते हैं नए जैसे हो जाते हैं या हमारे घर पर हमारा फर्नीचर है वो अब बहुत पुराना हो गया है ना तो हमें क्या करिए कि बड़ा गंदा लग रहा है हम इसको दोबारा से पॉलिश करवा लेते हैं हम जाते हैं पॉलिश वाले के पास वो पॉलिश कर देता है तो हमारा फर्नीचर जो है वो बिल्कुल नए जैसा हो जाता है क्यों क्योंकि उसके अंदर एक चमक आ जाती है ये होता है बेटा पॉलिशिंग क्लियर बेटा नेक्स्ट वर्ड इज बेटा राइडिंग राइडिंग का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज के ऊपर बैठकर राइड करना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना लाइक अगर हम हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं तो हम हॉर्स पर बैठे हैं हॉर्स हमें यहां से वहां लेकर जा रहा है तो हम हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं हम एक कोई बाइक चला रहा है हम उसके पीछे बैठे हैं तो हम बाइक राइडिंग कर रहे हैं ठीक है बेटा वो बाइक चला रहा है और हम उस जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं तो इट मीन्स हम लोग बाइक राइडिंग कर रहे हैं क्लियर बेटा किसी भी चीज के ऊपर बैठकर अपनी जगह से किसी और जगह जाना उसको बोलते हैं बेटा राइडिंग क्लियर बेटा नेक्स्ट वर्ड इज बेटा टीचिंग टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना आई एम टीचिंग ना मैं आपको पढ़ा रही हूं ना नाउ आई एम टीचिंग ठीक है मैं आपको पढ़ा रही हूं आई एम अ टीचर माई वर्क इज टीचिंग ओके तो मेरा काम है आपको पढ़ाना ठीक है मैं आपको टीच कर रही हूं टीच मतलब पढ़ाना टीचर टीच करती है ठीक है बेटा तो पढ़ाना होता है टीचिंग क्लियर बेटा नेक्स्ट वर्ड इज बेटा बैंडिंग बैंडिंग का मतलब होता है झुकना अभी मैं स्ट्रेट खड़ी हूं नाउ आई एम बैंडिंग मैं बेंड हो गई ना झुक गई मैं बेंड का मतलब होता है बेटे झुकना क्लियर बच्चे
नेक्स्ट वर्ड इज बेटा हमारा है सिंगिंग. सिंगिंग का मतलब होता है कोई भी गाना गाना, पोयम गाना. माइक होता है हमारे पास, माइक हम ऐसे पकड़ते हैं और हम कुछ भी गुनगुनाते हैं. कोई भी हमें सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है या हमें कोई शब्द या भजन कुछ भी अच्छा लगता है तो हम उसको माइक में बोलते हैं, कोई राइम बोलते हैं, तो इसको हम लोग सिंग कर रहे हैं. हमें ये देखना है कि हम एक सॉन्ग सिंग कर रहे हैं, राइम सिंग कर रहे हैं या कोई भजन सिंग कर रहे हैं. सिंग का मतलब होता है गाना जो हम गाएंगे. ठीक है बेटा, क्लियर. नेक्स्ट वर्ड इज बेटा स्ट्रेचिंग. स्ट्रेचिंग का मतलब होता है अपनी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच करना, अपनी बॉडी को एक तरह से खोलना. लाइक हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं तो अपनी बॉडी को ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं ना बेटा. या हम डांस स्टेप में भी कई बार अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, हम अपनी लेग्स को ऐसे ओपन कर देते हैं या हम ऐसे करते हैं, किसी भी अपनी बॉडी को पूरी तरह से खोलना. ठीक है, वो होता है स्ट्रेचिंग. क्लियर. नेक्स्ट वर्ड इज बेटा स्माइलिंग. स्माइलिंग का मतलब होता है स्माइल करना. जैसे अब मैंने किसी को देखा और मैंने उसको स्माइल पास की, वो बहुत दूर है, मैं उसको बुला नहीं पाई, मैंने उसको ऐसे करके स्माइल पास कर दी, तो स्माइल का मतलब होता है स्माइल करना. क्लियर. नेक्स्ट इज बेटा वियरिंग. वियरिंग का मतलब होता है कोई भी चीज पहनना. आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाने से पहले यूनिफॉर्म वियर करते हो, शूज वियर करते हो. जब आप स्कूल से वापस आते हो तो आप उस यूनिफॉर्म को उतारते हो और अपने घर के कपड़े वियर करते हो, या रेन आती है तो आप रेनकोट वियर करते हो. किसी भी चीज को पहनना. क्लियर बेटा, वो होता है वियरिंग. नेक्स्ट इज बेटा बॉक्सिंग. बॉक्सिंग होता है बेटा, एक गेम होती है बॉक्सिंग. आप मार्केट में जाओगे ना, आपको एक ऐसे वो बॉक्सिंग वाली गेम होती है वहां पर, उसमें बड़े बड़े ना ग्लव्स टाइप के होते हैं, बॉक्सिंग होते हैं, तो हम लोग ऐसे ऐसे करके उसको बॉक्सिंग करते हैं. ठीक है, एक गेम होती है बॉक्सिंग. क्लियर बेटा. ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज बेटा यॉनिंग. यॉनिंग का मतलब होता है बेटा उबासी लेना. जब हमें बहुत नींद आती है तो हम क्या करते हैं, आज मुझे बड़ी नींद आई है ना, तो हम लोग ऐसे करके उबासी लेते हैं. इट मीन्स हम लोग यॉनिंग कर रहे हैं. आई एम यॉनिंग नाउ. क्लियर. नेक्स्ट इज बेटा फ्लाइंग. फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना. जैसे हम काइट फ्लाई करते हैं तो हमारी काइट क्या होती है, हम देखते हैं ना ऊपर, अरे काइट इज फ्लाइंग, काइट उड़ रही है, बर्ड्स आर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे हैं. ठीक है बेटा, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना. नेक्स्ट इज बेटा कुकिंग. कुकिंग का मतलब होता है पकाना. आपकी मम्मा किचन में आपके लिए खाना पकाती है तो वो खाना कुक कर रही है, चाहे वो वेजिटेबल बना रही है, चपाती बना रही है, कुछ भी स्वीट डिश बना रही है, तो वो कुक कर रही है. ठीक है, कुक का मतलब होता है पकाना. नेक्स्ट इज बेटा पेंटिंग. पेंट करना किसी भी चीज को. आप मार्केट जाते हो तो वाटर कलर मिलते हैं ना आपको, पेंट कलर मिलते हैं ना, आप पेंटिंग करते हो. जैसे आपकी मैम कभी आपको बेलून पेंटिंग कराती है, थंब पेंटिंग कराती है, वेजिटेबल पेंटिंग कराती है, तो वो पेंटिंग कलर्स अलग होते हैं बेटा जो मार्केट में मिलते हैं, तो उससे हम पेंटिंग कर सकते हैं. क्लियर बेटा. नेक्स्ट इज किकिंग. किक का मतलब होता है जैसे आपके पास एक बॉल है, आपको उसको पैर से किक करना है, मतलब अपने पैर से एकदम से उसको वो करना है, पुश करना है, धक्का देना है उसको. ठीक है, तो वो होता है किक करना. क्या होता है वो, किक करना. क्लियर बेटा. नेक्स्ट इज बेटा शेयर. शेयर का मतलब होता है चीजों को बांटना. क्या करना, बांटना. आप क्या करते हो घर पर, अब जिसे होते हैं आपके छोटे भाई बहन होते हैं, आप कोई भी चीज मार्केट से लाते हो तो अपने भाई बहन से शेयर करते हो ना, या आप स्कूल में आते हो तो कई बार अपना लंच बॉक्स लाते हो तो आप कई बार अपने लंच शेयर कर रहे हो, कभी फ्रूट शेयर कर रहे हो, या अपना पेंसिल इरेजर कुछ भी चीजों को शेयर करना, यानी बांटना. और हमें शेयर करना चाहिए बेटा. ओके बेटा, शेयर का मतलब होता है बांटना. ये थे बेटा हमारे एक्शन वर्ड्स जो आपकी जो आपके सेकेंड टर्म में यानी सेकेंड सेमेस्टर में जो आने हैं. मैंने सारे एक्शन वर्ड्स करवा चुकी हूं मैं, और मैंने आज इसका अच्छे से रिवीजन करवाया. ओके बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर.